मंदिर, फुल डिटेल्स देने वाली हूँ मैं आपको आज वहाँ की, वहाँ कैसे पहुँचे, क्या ट्रांसपोर्ट ले, कब जाएं, वहाँ पे जो मंदिर है वो कब ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है, ड्रेस कोड क्या है, क्या लेके जाएं, क्या नहीं लेके जाएं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको आज के इस व्लॉग में। तो शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी टू अक्षरधाम। अक्षरधाम टेम्पल सिचुएटेड है न्यू दिल्ली के पांडव नगर में। तो अगर आप अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो बस गूगल मैप्स पे डालिए अक्षरधाम टेम्पल और सीधे पहुंच जाइए अक्षरधाम। और अगर लेना चाहते हैं मेट्रो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, सीधी मेट्रो वहां तक लीजिए और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे है अक्षरधाम मंदिर। और लीजिए हम पहुंच गए अक्षरधाम मंदिर की बड़ी सी पार्किंग में। गाइज यहाँ पे पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्ज फॉर इट। अक्षरधाम मंदिर पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से चलते हैं लॉकर रूम की तरफ क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हो गए। लॉकर रूम की तरफ चलते हैं और जो भी सामान हम अंदर नहीं ले जा सकते हैं उसको बाहर रखते हैं और साथ ही आपको भी बताऊंगी कि क्या क्या सामान यहाँ पे ले जाना अलाउड नहीं है। चलिए अब सुनिए क्या चीजें अलाउड नहीं है अंदर मंदिर के। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे मोबाइल्स, कैमरास, पेन ड्राइव, हैंड्स फ्री अंदर अलाउड नहीं है लेके जाना। फूड आइटम्स आप अंदर नहीं लेके जा सकते, बैग्स या पर्सेस अंदर कैरी नहीं कर सकते हैं। बेल्ट जो होगी आपको वो भी उतार के रखनी होगी, आपका जो पर्स है वो भी डिपॉजिट कराना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप स्ट्रिक्टली अंदर अलाउड नहीं है। ये सारे प्रोहिबिटेड सामान जमा करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर क्लॉक रूम बना है, आपको फॉर्म दिया जाएगा उसे फिल करके जो जो भी आइटम्स आप अंदर रख रहे हैं वहाँ मार्क करेंगे और डिपॉजिट करेंगे। और ये सर्विस टोटली फ्री है गाइस और टोटली सेफ भी है। आप अक्षरधाम एक मंदिर है तो यहाँ पे आपको डिसेंट कपड़े ही पहन के जाने हैं और यही यहाँ का ड्रेस कोड है। अभी हमने मोबाइल और बाकी जो सामान अंदर अलाउड नहीं था सब लॉकर में रखने जा रहे हैं। आप अंदर जाके पूरा घूमने के बाद फिर आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो वीडियोस फोटोज हम कुछ भी नहीं ले सकते। बाकी जो भी आप चैनल्स पे वीडियोस देखते हो अक्षरधाम के वो सारे गूगल पे अवेलेबल हैं, कोई भी अंदर जाके वहीं पे वीडियो नहीं ले सकता है। आके आपको बताऊंगी कि अंदर कैसा है, क्या माहौल है, कितना टाइम लगा हमें घूमने। मगर हेलो हेलो आप कहीं मत जाइए, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अक्षरधाम मंदिर की झलकियाँ अंदर से जो मैंने यहाँ वहाँ से ऑनलाइन ही आप लोगों के लिए इकट्ठी करी हैं। अक्षरधाम में एंटर होते ही सबसे पहले आपको दिखते हैं ये 10 द्वार, उसके बाद आता है मयूर द्वार जो प्रेरित है पिकॉक से, सिंस पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड तो उसके अकॉर्डिंग ही ये सुंदर सा द्वार यहाँ पे क्रिएट किया गया है जो आपका मन जरूर मोह लेगा। दिल्ली की एक मस्ट विजिट प्लेस है अक्षरधाम मंदिर क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अक्षरधाम मंदिर के अंदर विराजे हैं भगवान स्वामी नारायण जो रूप है लॉर्ड कृष्णा का, और साथ ही इनके साथ विराजे हैं सीता राम, राधा कृष्ण और शिव पार्वती। अक्षरधाम में चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी हुई है। अक्षरधाम मंदिर पूरे विश्व में लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है जिसकी वजह से इसको गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। पांच सालों में बनके तैयार हुआ ये मंदिर 6 नवंबर 2005 को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था।
नजर आते हैं ये विशाल काय एलिफेंट्स, जिसे गजेंद्र पीठ कहा जाता है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से 148 एलिफेंट्स यहाँ बनाए गए हैं। इसके साथ ही अंदर यहाँ बना हुआ है एक एग्जीबिशन हॉल, जिसे कहा जाता है सहजानंद वैल्यूज। ये दिखाता है हमारी संस्कृति, सभ्यता। इसी हॉल में लगी है एक जाइंट स्क्रीन, जहाँ पे नीलकंठ यात्रा नाम की एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड मूवी दिखाई जाती है। इसके साथ ही अंदर है एक बोट राइड, जिसे संस्कृति दर्शन का नाम दिया गया है। इसे बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं। अक्षरधाम में एक दूसरे कोने पे बना हुआ है अभिषेक मंडप, जहाँ पे भगवान की मूर्ति का आप अभिषेक कर सकते हैं। और है यहाँ पे योगी हृदय कमल नाम से एक लोटस के शेप का सुंदर सा गार्डन। और लास्ट चीज़ जो यहाँ आती है, यहाँ का मेन अट्रैक्शन द वाटर शो, द मल्टीमीडिया वाटर शो, जो इतना अद्भुत है कि आप देखकर इसमें खो जाएंगे। बहुत ही ऑसम है, होता है ये शो गाइस। पूरा अक्षरधाम घूमने के बाद हम निकल आए थे बाहर और हो गई थी शाम। अक्षरधाम मंदिर एक अलग ही खूबसूरत लुक आ रहा है लाइट्स के साथ रात में। तो गाइस अभी हम अक्षरधाम मंदिर से निकल के बाहर आए हैं, एंड आई टेल यू व्हाट एन एक्सपीरियंस। एग्जीबिशन, मंदिर और लेजर एंड वाटर शो, अमेजिंग। इट वॉज अ ट्रीट टू द आईज। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने काफी इंजॉय किया। और करीब 3 से 4 घंटे आपका फुल टाइम पास है यहाँ पे अगर आप आते हैं तो। दोस्तों आई होप आपने भी आज का व्लॉग उतना ही इंजॉय किया होगा, आपको उतना ही यूजफुल लगा होगा जितना कि मुझे लगा और हम सब ने इंजॉय किया। तो अगर पसंद आया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा बढ़िया सा कंटेंट।